नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई, दिन गुरुवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब जिला और प्रखंड स्तर पर लगेगा शिक्षक दरबार। अगले महीने से अब खनिज परिवहन वाहन मालिकों को करना होगा ये काम। लगातार पुल के ढहने के मामले को देखते हुए सीएम आवास पर हुई बैठक। आज प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश की है संभावना। अपनी पर्सनल IRCTC ID से टिकट बेचने वाले हो जाएं सावधान। चैंपियन बनने के बाद आज अपने वतन पहुंचेगी भारतीय टीम। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर निकली भर्ती। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 510 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं पास किया हो। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जमीन सर्वेक्षण को पूरा करने का सीएम नीतीश ने दिया निर्देश। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम साल 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जुलाई 2025 तक ये टास्क पूरा करने को कहा गया है। बीते बुधवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान पटना स्थित सीएम सचिवालय में सीएम नीतीश ने विभाग को ये निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम नीतीश ने मुख्य सचिव से कहा है कि आप जल्द से जल्द जमीन सर्वेक्षण के काम को पूरा कर लें। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, ऐसे में चुनाव से पहले हर हाल में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अब जिला और प्रखंड स्तर पर लगेगा शिक्षक दरबार। जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग द्वारा एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इन पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन यानी शनिवार को विद्यालय अवधि के बाद शिक्षक दरबार का आयोजन करें और यहाँ इनकी समस्या सुने। साथ ही शिक्षकों की समस्या का समाधान करें। यदि DO स्तर पर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो इनकी समस्याओं को राज्य मुख्यालय भेजें। ACS ने अपने पत्र के जरिए बताया है कि जिला और प्रखंड स्तर से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने की वजह से हर दिन करीब 50 शिकायतें ACS कार्यालय में आ रही हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पढ़ाने में कमजोर शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। बिहार में हर साल लोग बाढ़ की समस्या से परेशान रहते हैं। इस परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई है। गठित हुई ये कमेटी आज यानी अपनी रिपोर्ट केंद्र जल आयोग को सौंपेगी। उसके बाद इस मामले को लेकर कमेटी के सुझाव के मुताबिक सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी। इसकी जानकारी जदयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने दी है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर इस समस्या पर चर्चा की, जिसके बाद कमेटी का गठन हुआ है। अब ये कमेटी नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में आने वाली बाढ़ के पानी के प्रबंधन का केंद्र सरकार को सुझाव देगी। विदेश जाने की चाहत रखने वाले हो जाएं सावधान। कई बार लोग विदेश जाने की लालसा में अवैध एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं। इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय भी लोगों को आगाह करती है। साथ ही लोगों को सलाह दी जाती है कि यदि वे विदेश जाने की प्लानिंग कर भी रहे हैं तो किसी वैध एजेंट के माध्यम से ही जाएं। इस संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है, जहां बताया गया है कि यदि आप अवैध एजेंटों के माध्यम से विदेश जाते हैं तो ना ही आपका सरकारी रिकॉर्ड होगा और ना ही आपको बीमा सुविधा का लाभ मिल पाएगा। आपको ये भी बता दें कि पैसे कमाने और नौकरी की चाह में लोग विदेश जाना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वे अपंजीकृत या अवैध रिक्रूटिंग एजेंटों द्वारा फर्जी नौकरी दिलाने वाली बातों में आ जाते हैं। ये लोग केवल आपसे लाखों रुपए वसूली के लिए, ठगी के लिए ऐसा करते हैं जो कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। BPSC ने यूपी की 46 शिक्षिकाओं को किया बर्खास्त। यूपी से आने वाली 46 शिक्षिकाओं पर बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें बर्खास्त कर दिया है। ये शिक्षिकाएं बिहार डोमिसाइल का लाभ लेकर चयनित हुई थी।
और सभी बिहार के औरंगाबाद जिले में तैनात थे। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दया शंकर सिंह ने बताया है कि यूपी के मूल निवासी सामान्य वर्ग की इन महिला शिक्षकों को बिहार डोमिसाइल उम्मीदवारों की तरह 5% ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जो विभागीय नियमों के विरुद्ध। जब शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारियों ने ये गड़बड़ी देखी तो उन्होंने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट का रुख कर रीट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने भर्ती नियमावली में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का खुला फाटक, गंडक के रौद्र रूप को देखकर सहमे लोग। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद नेपाल से निकलकर भारतीय परिक्षेत्र में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। पानी का ज्यादा दबाव होने के कारण पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि गंडक बैराज पर फाटक खोल दिए गए हैं। ये गंडक बैराज का पानी अक्सर बगहा, मोतिहारी और गोपालगंज में तबाही मचाती है। गंडक बैराज से नहरों में आने वाले पानी के तटबंध पानी के दबाव को अक्सर झेल नहीं पाती है, जिस वजह से तटबंध टूट जाते हैं। जिस वजह से बगहा, बैरिया, अरेराज, संग्रामपुर और केसरिया समेत कई प्रखंडों में गंडक के रौद्र रूप को देखकर लोग सहमे हुए हैं। इस संबंध में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए समुदाय किचन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए हैं। पर्याप्त संख्या में नाव की उपलब्धता, नाविकों की सूची, गोताखोरों का मोबाइल नंबर रखने का निर्देश भी दिया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे ऐश्वर्य निगम के बारे में। ऐश्वर्य निगम पेशे से हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायक हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1989 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इन्होंने दबंग फिल्म में कई सुपरहिट गाने दिए, जिसके लिए इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इसके अलावा ये फरारी की सवारी फिल्म में मारा रे सिक्सर गाना गाने के लिए जाने जाते हैं। इन गानों के अलावा बेशर्म फिल्म का तेरे मोहल्ले गाना, बॉबी जासूस का स्वीटी जैसे सुपरहिट कई फिल्मों के गाने में अपनी आवाज दे चुके हैं। इसके अलावा ये बिहार प्रदेश गीत हम बिहार हैं और चलो बिहार भी गा चुके हैं। साथ ही ये डॉक्टर सैंथम में हर लम्हा हर घड़ी गाने के लिए भी अपनी आवाज दे चुके हैं। अपनी पर्सनल IRCTC ID से टिकट बेचने वाले हो जाएं सावधान। सोशल मीडिया पर एक खबर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई भी अपनी IRCTC ID से केवल अपने ब्लड रिलेशन और रिश्तेदारों का टिकट ही बुक कर सकता है, दूसरे का टिकट बुक नहीं कर सकता है। लेकिन ये खबर पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। IRCTC यूजर चाहे तो अपनी ID से अपने दोस्त और रिश्तेदार किसी का भी टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि IRCTC ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई अपनी IRCTC ID से टिकट बुक कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसे बेच सकता है, यानी कि आर्थिक लाभ कमा सकता है। यदि कोई IRCTC ID से टिकट बुक करके उसे बेचता हुआ पाया गया या फिर इस सुविधा से यदि कोई आर्थिक लाभ लेता हुआ पाया गया तो रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 143 के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगले महीने से अब खनिज परिवहन वाहन मालिकों को करना होगा ये काम। खनिज परिवहन वाहनों पर खान एवं भूतत्व विभाग ने निबंधन संख्या लिखना अनिवार्य कर दिया है, ताकि बालू समेत अन्य लघु खनिज की चोरी रोकी जा सके। ये व्यवस्था 1 जुलाई से प्रभावी होने वाली थी, हालांकि वाहन मालिकों को और 1 महीने का मोहलत दिया गया है, इसलिए अब 1 अगस्त से खनिज परिवहन वाहनों पर निबंधन लिखने की व्यवस्था प्रभावी होगी। खनिज वाहनों पर निबंधन को अनिवार्य रूप से लिखने की यह व्यवस्था प्रदेश में बालू समेत अन्य लघु खनिज की तस्करी, नदियों से अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बनाई लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत वाहनों के चारों तरफ लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी पेंट करके उस पर सफेद रंग से 6 इंच चौड़े फॉन्ट साइज के शब्दों में खनन वाहन निबंधन संख्या लिखना होगा, ताकि खनन ढोने वाले वाहनों का पता दूर से ही लगाया जा सके। बेहतरीन शिक्षक का पुरस्कार पाने के लिए शिक्षकगण करें आवेदन। हर साल शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति बेहतरीन शिक्षकों को पुरस्कृत करते हैं। ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हैं। 15 जुलाई तक शिक्षक भारत सरकार की वेबसाइट पर इस पुरस्कार के लिए पंजीयन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के साथ ही बिहार सरकार भी शिक्षकों को पुरस्कृत करती है। इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिलों से भेजे गए नामों में से ही राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा। राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए यथासंभव 50% महिला शिक्षकों का चयन होगा। इन्होंने जिलों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को उक्त पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करें।
लगातार पुल के ढहने के मामले को देखते हुए सीएम आवास पर हुई बैठक। बिहार में लगातार पुलों के ढहने के मामले को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमलावर है। अब इन मामलों को देखते हुए सीएम नीतीश ने एक अन्य मार्ग स्थित आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को पुलों के रखरखाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान अपने अपने विभागों के पथों और पुलों के निर्माण व रखरखाव से संबंधित जानकारी पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सीएम नीतीश को दी है। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा है कि 2005 से बिहार के सभी क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। आवागमन में लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है। लेकिन इसके निर्माण भर में से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके बेहतर रखरखाव भी जरूरी है। पथों और पुलों के मेंटेनेंस पर उन्होंने जोर दिया है। पंकज त्रिपाठी ने मिर्जापुर में अपने किरदार को लेकर कही ये बात। लोगों के बीच मोस्ट अवेटेड सीरीज मिर्जापुर को लेकर पंकज त्रिपाठी ने बयान दिया है। आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले पंकज त्रिपाठी इस सीरीज में कालीन भैया का किरदार निभा रहे हैं, जो लोगों के फेवरेट किरदार बन चुके हैं। पंकज त्रिपाठी ने अपने किरदार को लेकर कहा है कि जब कहानी और किरदार पॉपुलर हो जाते हैं, तब दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। लोग आगे की कहानी जानने के बारे में उत्सुक हो जाते हैं। जब 5 जुलाई को मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हो जाएगी, तब दर्शक उसके आगे की कहानी जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। यही तो वेब सीरीज की खासियत है कि हर बार लोग आगे का जानना चाहते हैं। जाने सड़कों पर लगे हरे और नीले रंग के साइन बोर्ड में क्या है अंतर? आपने कई बार सड़क या हाईवे पर सफर के दौरान हरे और नीले रंग का साइन बोर्ड देखा होगा। ऐसे में क्या आपको पता है कि सड़कों पर लगे हरे और नीले साइन बोर्ड में क्या अंतर है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नीले रंग का साइन बोर्ड आमतौर पर सूचना और निर्देश देने के लिए होता है, जैसे कि पार्किंग की जानकारी, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि। इसके इस्तेमाल कई बार स्टेट हाईवे पर भी किए जा सकते हैं। वही नीले रंग का साइन बोर्ड दिशाओं, स्थानों के नाम और दूरी आदि की जानकारी देता है। ये यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है। नीट पेपर लीक मामले में अभियुक्त आरोपियों को का खाता होगा फ्रिज। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए अभियुक्तों और जो लोग इस मामले में फरार हैं, दोनों के ही बैंक खाते फ्रिज करने की तैयारी की जा रही है। इनमें से कई गिरफ्तार आरोपियों ने अपने बैंक का नाम और शाखा की जानकारी दी है जहां उनका अकाउंट है। हालांकि अभी तक अपना खाता नंबर इन्होंने नहीं दिया है। इन लोगों के आधार कार्ड भी ले लिए गए हैं ताकि पता किया जा सके कि इनके नाम से किस बैंक में कितने खाते हैं और उसमें कितने रुपए का लेन देन हुआ है और कितनी रकम खाते में मौजूद है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आरोपियों, गिरोह और इस मामले में मास्टरमाइंड ने अपनी अवैध कमाई से जमीन में निवेश कर रखा है, तो वहीं किसी और ने शहरों में फ्लैट खरीदे हैं। और सीबीआई के जिन 7 अभियुक्तों को रिमांड पर लिया था, उनसे पूछताछ की आखिरी दिन 3 जुलाई थी। ऐसे में आज इन सभी अभियुक्तों की रिमांड 11 बजे तक पूरी हो जाएगी। आज इन अभियुक्तों का मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद इनके कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन्हें कोर्ट के निर्देश के बाद न्यायिक हिरासत में लेकर फिर जेल भेज दिया जाएगा। आज प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश की है संभावना। प्रदेश में कई जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग द्वारा लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। इसी बीच लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिलती दिखाई दे रही है। आज भी प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया और कटिहार जिले में एक या दो स्थानों पर अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, अररिया और किशनगंज में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बिहार के रेलवे ट्रैक पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। अब बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनों के दौड़ने की तैयारी है। इसके लिए 412 किलोमीटर में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ट्रैक तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही है। हालांकि जब ट्रेनें 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी तो ट्रैकों के दोनों किनारों पर सुरक्षा बाड़ लगाए जाएंगे। इस 412 किलोमीटर लंबी ग्रैंड कार्ड रेलवे ट्रैक का निर्माण हाई स्पीड योजना के अंतर्गत प्रधान खंटा से धनबाद, नेसुबो, गोमो, कोडरमा, गया और सोननगर होते हुए DDU जंक्शन तक किया जाएगा।
बच्चों के भविष्य को लेकर यूनिसेफ बिहार प्रमुख ने राज्यपाल से की मुलाकात। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से यूनिसेफ बिहार प्रमुख मार्गरेट ग्वाडा ने मुलाकात की है। ये मुलाकात बिहार के बच्चों के भविष्य के प्रति एक नई प्रतिबद्धता को लेकर थी। इस दौरान ग्वाडा ने बच्चों और किशोरों के लिए बिहार सरकार की कई पहलों की सराहना की। आपको बता दें कि यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाल अधिकारों पर संधि के मार्गदर्शन में निरंतर प्रयास करता है, साथ ही इनकी बेसिक जरूरतों को पूरा करने व उनकी असीम संभावनाओं को खोलने के भी प्रयास में लगा रहता है। बिहार में लगातार पुलों के ढहने के मामले पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। बिहार में इन दिनों लगातार पुलों के ढहने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। एक दिन में प्रदेश में 4 पुल के ढहने की खबर सामने आई है। पुल ढहने के मामले को लेकर तेजस्वी यादव लगातार डबल इंजन की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि आज का 4th पुल गिरा। बीजेपी और नीतीश कुमार के बिहार में 18 वर्षों की रिकॉर्ड तोड़ ईमानदारी से तंग आकर 15 दिन में अभी समाचार लिखे जाने तक कुल 10 पुलों ने पानी में कूदकर अपनी जान ले ली। पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण के सिलसिले में पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंदरापुराम मोहन नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोलो से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर चर्चा की। पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि शीघ्र पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण सुचारू रूप से संचालन के लिए जल्द कार्य शुरू करवाएं। साथ ही पप्पू यादव ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री को एक पत्र भी सौंपा, जिसके जरिए उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इससे कोसी सीमांचल के क्षेत्र में विकास के कार्य को गति मिलेगी। चैंपियन बनने के बाद आज अपने वतन पहुंचेगी भारतीय टीम। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टीम अब भारत लौटने वाली है। साउथ अफ्रीका के साथ भारत का आखिरी मुकाबला बारडोस में हुआ था। मुकाबला जीतने के बाद बारडोस में आए चक्रवात की वजह से भारतीय टीम वहां फंसी रह गई। हालांकि अब वो भारत के लिए रवाना हो चुकी है। आज 11 बजे भारतीय खिलाड़ी भारत पहुंचेंगे। यहां आते ही वे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया के कई खिलाड़ी सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ एक पोस्ट शेयर कर रहे हैं। सभी को चार्टर प्लेन से भारत लाया जा रहा है। भारतीय फैंस भी भारतीय टीम के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भारतीय स्वतंत्रता बिल का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके तहत देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। आज के दिन वर्ष 1963 में तिरंगे को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2001 में भारत और पाकिस्तान के बंदी नागरिकों की रिहाई के निर्देश मिले थे। आज के दिन वर्ष 2006 में गांधी शांति पुरस्कार विजेता और भारत में जर्मनी के पूर्व राजदूत गरहार्ड फिशर का निधन हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे बिना स्पष्टीकरण दिए 24 घंटे के लिए पुलिस कर सकती है गिरफ्तार की खबर के बारे में। नए आपराधिक कानून को लेकर ये खबर वायरल हो रही है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना कोई स्पष्टीकरण दिए 24 घंटे तक गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस बिना किसी स्पष्टीकरण के मनमाने ढंग से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है या 24 घंटे तक हिरासत में नहीं ले सकती है। इसलिए ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। बिना सत्यता की जांच करें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों को शेयर ना करें। ट्विटर के विकल्प में आया भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू अब होगा बंद। ट्विटर के विकल्प में आया भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू अब बंद हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन मीडिया फॉर्म डेलीहंट के साथ अधिग्रहण की बातचीत विफल होने के बाद 4 साल पुराने स्टार्टअप ने बंद करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि कू ऐप का कई बड़े हस्तियों ने बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया था। हालांकि कंपनी निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने और नाइजीरिया व ब्राजील में विस्तार करने में भी कामयाब रही है। आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 10 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध थी, जिसकी स्थापना उद्यमी और प्रेमी राधा कृष्ण और मयंक विदावतका ने की थी। हर छठा भारतीय फाइनेंशियल पासवर्ड असुरक्षित तरीके से करता है सेव, जाने कैसे।
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपने एक लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया है कि हर छठा भारतीय अपने जरूरी फाइनेंशियल पासवर्ड को असुरक्षित तरीके से सेव करता है। सर्वे में ये खबर सामने आई कि लगभग 17% लोग एटीएम डेबिट या क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट और ऐप स्टोर के जरूरी पासवर्ड को असुरक्षित तरीके से सेव करते हैं। कुछ लोग इन पासवर्ड को अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव रखते हैं तो कुछ लोग इसे नोट पैड में सेव कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने पर जब आपका डेटा चोरी होगा तो उस तरह के पासवर्ड सेव करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है गृहोत पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी है राजगीर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी है बंकू पहाड़ी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। बिहार में वहाबी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1821 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1831 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1836 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1841 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1821 ईस्वी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 28 जून को, ऑप्शन बी है 30 जून को, ऑप्शन सी है 29 जून को, ऑप्शन डी 1 जुलाई को। इसका सही उत्तर है 30 जून को। हाल ही में दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन ए अभिभावक वीक, ऑप्शन बी है डॉक्टर्स वीक, ऑप्शन सी है स्वयं सहायता वीक, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक वीक। इसका सही उत्तर है डॉक्टर्स वीक। हाल ही में FATF ने किस देश को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी इजराइल। इसका सही उत्तर है भारत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पंकज कुमार दास, राकेश मिश्रा, विकास दास, जितेंद्र ठाकुर, विनय, सादुल्ला पालवी, गुनर शर्मा, अनवर करीम खान, नोवल किशोर महतो, जितेंद्र कुमार सहनी, उमेश ऋषिदेव, संजीव कुमार, मोहम्मद अस्कर कमाल। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल के आज का सवाल है, बिहार में लगातार पुल ढहने और गिरने के मामले सामने आ रहे हैं, आपके मुताबिक इसकी क्या वजह हो सकती है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।